गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ेंगे। गिरधर जो कवि हैं, वो कवि ने अपनी कविताओं को कुंडलियों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है और इसमें लोक व्यवहार यानी लोगों के व्यवहार की और उनके अनुभव की जो उपयोगी बातें हैं उसको कुंडलियों के माध्यम से उन्होंने बताया है। साथ में बताया है कि ये बातें हमें क्यों जीवन में उपयोग में लाना चाहिए और इन्हें किस तरह से हमें समझकर अपने जीवन को अच्छा और बेहतर हम बना सकते हैं। तो आइए हम आज पढ़ते हैं गिरधर की कुंडलियाँ, यानी गिरधर की जो कविताएं हैं वो कुंडलियों के माध्यम से। सबसे पहला जो यहाँ पर भावार्थ दिया है वो क्या है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाउ न रहत निदान। अब यहाँ पर गिरधर कवि क्या कहते हैं, कुंडलियों में व्यक्ति को निराभिमान रहने की, यहाँ पर जो कुंडलियाँ दी है उसमें व्यक्ति को निराभिमान यानी बिना अभिमान के रहने की शिक्षा दी है। और क्या बताया है कि दौलत पाए न कीजिए, दौलत यानी धन दौलत, पाए न कीजिए यानी प्राप्त कर, सपने में अभिमान यानी व्यक्ति क्या करता है, दौलत धन प्राप्त कर व्यक्ति स्वप्न में भी क्या करने लगता है, अभिमान। तो हमें स्वप्न में भी, मतलब यूँ तो अभिमान करता ही है, सब स्वप्न में भी अभिमान करता है, उसे पूरे टाइम दौलत ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या बात बताई है इस लाइन में कि अगर धन दौलत हमारे पास आ जाए तो व्यक्ति को सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी उस दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिन चारी को, चंचल जल यानी बहता हुआ जल, चंचल यानी जो चंचल होते हैं एक जगह स्थिर नहीं होते उनको चंचल कहा जाता है। तो जो जल है उसको क्या कहा गया है, चंचल यानी जल कैसा है, बहता हुआ। दिनचारी को यानी चंचल जो जल है, जो बहता हुआ जल है, किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। ठाउना रहत निदान यानी एक स्थान पर वो स्थिर नहीं रहता, हमेशा बहता रहता है। यानी चंचल या बहता हुआ जल, जो वर्षा का जल चार दिन दिखाई देता है, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप सभी देखते हैं कि थोड़े समय के लिए जो बारिश जब होती है तो हमें थोड़े समय के लिए वो जल दिखाई देता है, उसके बाद वो जल हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बहकर चला जाता है। तो इसी प्रकार यह देखकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। इन दो लाइनों में क्या दिया है कि हमें धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से कि जल जो है वो कभी ठहरता नहीं है, हमेशा बहता रहता है, उसी प्रकार से दौलत कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती, एक जगह ठहरती नहीं है, वो कभी भी जा सकती है। इसलिए इस चीज़ों का हमें अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। मीठे ठाउ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजिए। अब हमें क्या निदान करना चाहिए कि जब तक संसार में रहे यश पूर्वक रहे, बदनाम नहीं होना चाहिए अपने व्यवहार से। हम जब तक संसार में रहे यश पूर्वक रहे और बदनाम ना रहे, हम में बुराई ना रहे। मीठे वचन सुनाए विनय सभी सो कीजिए, और हमेशा मधुर वचनों का, अच्छे वचनों का, मीठे वचन को सुनाए और सुनना चाहिए और बोलना भी चाहिए, दोनों काम हमें करना चाहिए। हमेशा अच्छे बातें, अच्छे वाणी से हमें बात करना चाहिए, मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। विनय सभी सो कीजिए, और सबका विनय करना चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए, प्रेम भाव से सभी से बातें करना चाहिए। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि गिरधर कि हमारा व्यवहार ही हमें दुनिया में काम आता है और बाकी सब तो ना तो धन आती है काम ना दौलत आती है, सिर्फ जो व्यक्ति का व्यवहार है वही हमेशा उसके साथ रहता है, धन दौलत तो आती जाती रहती है। पाहुन निज दिनचारी रहत सब ही के दौलत,
यानी कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि सच्चा धन तो व्यक्ति का सद्व्यवहार ही है। सच्ची दौलत क्या है? व्यक्ति खुद है, उसका व्यवहार खुद है। बाकी सदाचारण ही मतलब अच्छे गुण वाले व्यक्ति का ही वही उसकी दौलत है और वही व्यक्ति के साथ रहती है। मानवता सबसे बड़ा धन माना गया है। सबसे रहत सभी के दौलत यानी सबके लिए एक ही दौलत है, वो क्या है? मानवता, अच्छा व्यवहार, अच्छे आचरण, यही दौलत है। बाकी सब निराकार है, इसमें कोई हम अतिशयोक्ति नहीं बताएंगे यहाँ पर, यहाँ बढ़ चढ़कर कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गिरधर कवि एक जीवन की सच्ची बात, सच्चाई बता रहे हैं कि व्यक्ति के लिए उसका स्वभाव ही दौलत होता है, धन होता है, ना कि जो धन मोह माया है वो सब एक ना एक दिन क्या है वो सब नष्ट ही होना है। सिर्फ व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसकी अच्छी आदतें हैं, वही उसके साथ रहती है। तो ये पहली जो 4-5 लाइन थी, इसमें ही अच्छी बात छुपी है। वो क्या है कि हमें अपने धन दौलत का अभिमान नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला जो दिया है यहाँ पर वो क्या है? गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण कहे न कोई। गुण के गाहक सहस कर, अब यहाँ पर भी गुण ग्राही बनने का ही उद्देश्य दिया है कि गुणवान बनो, ये बात बताई है कुंडलियों के माध्यम से। कौन से कवि ने? गिरधर कवि ने। क्या बताया है कि व्यक्ति को हमेशा गुणग्राही बनना चाहिए, गुण युक्त बनना चाहिए, और साथ ही क्या बताया है कि गुणों को खरीदने वाले हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे। बिन गुण लहे ना कोई, बिना गुण के कोई नहीं रहता, उसको खरीदने वाले हजारों ग्राहक मिल जाते हैं। गुणग्राही क्या करना चाहिए? हमें हमेशा गुणवान बनना चाहिए। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोए, जैसे कागा, कागा यानि कौवा, कोकिला यानि कोयल, हम कौए और कोयल की आवाज़ सुनते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि गुणों को तो खरीदने वाले हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे, परंतु गुणों के बिना कोई पूछने वाला हमें नहीं मिलेगा। हमारे में गुण होंगे तभी हमें कोई ना कोई पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ कौवे और कोयल की बात कही है कि दोनों में फ़र्क है, दोनों में अंतर है। दोनों की आवाज़ जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। दो को रंग एक, दोनों के रंग एक है। काग सब भय अपवा आ पावन, यानी कौवे की जो आवाज़ है वो कैसी लगती है? कर्कश लगती है, अच्छी नहीं लगती कानों को। लेकिन कोयल कोकिला सबे सुहावन, लेकिन सब क्या करते हैं? कोकिला की आवाज़ सुनना सब पसंद करते हैं। शब्द सुने सब कोए, कोकिला सबे सुहावन सुहावन, यानी मन को भावन लगती है, मन को सुहावनी लगती है। कोकिला की आवाज़ यानी कोयल की आवाज़ मधुर लगती है, वो सब सुनना पसंद करते हैं। लेकिन कौवे की कर्कश आवाज़ को कोई सुनना पसंद नहीं करता। और जबकि देखा जाए तो दोनों का रंग एक, यानी दोनों का रंग एक है, फिर भी कौवे को अपवित्र समझकर कोई उसे स्पर्श भी नहीं करना चाहता। तो ये उनके गुण हो गए। कोयल का गुण क्या है? उसकी मीठी आवाज़। और कौवे की क्या है गुण? कि वो बहुत ही बेसुरा सुरी बेसुर में बोलता है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो व्यक्ति भी वैसी है, अगर व्यक्ति अच्छे होंगे, अच्छे गुण वाले होंगे, मीठे वचन बोलने वाले होंगे, विनम्र व्यवहार वाले होंगे, नम्रता उनमें झलकती होगी उनके व्यवहार में, तो उन व्यक्तियों को उनके गुणों को सभी सहारते हैं, सभी पसंद करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बुरा होगा, बुरा व्यवहार करने वाला होगा, लड़ाई झगड़े वाला होगा, बुरा बोलने वाला होगा, उस व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता, भले ही वो दिखने में कितना भी सुंदर क्यों ना हो। तो दोनों की तुलना किससे की गई है? कौवे और कोयल की मनुष्य के गुणों से की गई है। तो कह गए गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब यहाँ पर गिरधर कवि क्या कह रहे हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि हे बुद्धिमानों, जो बुद्धिमान है वो गुणीजन है, तुम गुणों को ग्रहण करो, गुणों के बिना तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं
मिलेगा। सुनो हो ठाकुर मन के, यानी सब सुनो, जो ठाकुर है, जो बुद्धिमान है, जो गुणवान है, वो क्या करो, गुणों को पूजो, गुणों को ग्रहण करो, क्योंकि गुणों के बिना, बिनु गुण लहे न कोए, बिना गुण के तुम्हें कोई भी पूछने वाला नहीं मिलेगा। सहस नर गाहक गुण के, मतलब जो गुणवान होंगे वो तो हजारों पूछने वाले उनको मिल जाएंगे और हर कोई उनका आदर करेगा। यानी गुणवान को हर कोई पूछने वाला मिलेगा और उनका आदर करेगा, बिना गुणवान व्यक्ति को कोई भी पूछेगा नहीं। तो यहाँ तक ये दो जो भावार्थ हमने पढ़े, अर्थ पढ़े, उनको आपको पढ़ना है और समझना है।